भी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नशाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भुगतान सहित अन्य समस्याओं के निदान की मांग को लेकर ठेकेदार संगठन का आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहा। ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में तालाबंदी करते हुए नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। संगठन ने कहा कि बीते एक माह से उनका आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। जिले सहित पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य ठप है, किसी भी विभाग में टेंडर नहीं हो रहे हैं, लेकिन सरकार तथा जनप्रतिनिधि उनकी मांग पर विचार करने को तैयार नहीं है। ठेकेदारों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सर, आज विगत एक माह से ठेकेदारों का आंदोलन पूरे उत्तराखंड प्रदेश में चल रहा है, लेकिन इस सरकार के कान में जू तक नहीं रह रही। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, उन मांगों को सरकार के सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित कर दिया गया है। यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों को हमने अपना ज्ञापन प्रेषित किया है, लेकिन अभी तक कोई सुनने नहीं आया है। हमारी जो मांगे हैं, हम अपने जनप्रतिनिधियों से उम्मीद रखते हैं कि कृपया हमारी मांगे सुनी जाएं और यहाँ एक स्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति की जाए। कई महीनों से हम ये अधिशासी अभियंता का दंश यहाँ झेल रहे हैं। अधिशासी अभियंता न होने के कारण हमारे कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं, देयकों का भुगतान लंबित हो जा रहा है। हमारी जिला योजना का यहाँ जो पैसा आया हुआ है, वो जिला योजना का पैसा भी हमको देयकों के तरीके से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि यहाँ तुरंत से तुरंत अधिशासी अभियंता की बहाली कर दी जाए, कोई अधिशासी अभियंता जो कि यहाँ के डिवीजन को चला सके। एक समय था कि उत्तराखंड में सबसे सर्वोपरि डिवीजन बागेश्वर खंड माना जाता था। आज बदहाली की यह स्थिति आ गई कि यह पूरा हमारा डिवीजन शमशान बना पड़ा है। यहाँ कनिष्ठ अभियंताओं की कमी है, कनिष्ठ अभियंता नहीं है। कुछ गिने चुने संविदा कनिष्ठ अभियंता रहे हैं, वो अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। उनको पता है भैया काम हम ही से करवाना है, दूसरा कोई करेगा नहीं। एक ही कनिष्ठ अभियंता हमारे पास में है यहाँ, उसको हमने चार दिन से एक लेटर दी है, बीच में विगत चार दिन की छुट्टी पड़ी थी, चार दिन आगे को हुए, उसे आख्या देने को बोला, उसमें वो आख्या देने को तैयार नहीं है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबक यही बना कि यहाँ कनिष्ठ अभियंता नहीं है, दूसरा हमारे पास में एक्शन यहाँ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि स्थायी तौर पर यहाँ एक्शन और कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती करी जाए। एक माह से अधिक का समय हमें आंदोलन को करते हुए हो गए हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है ठेकेदारों का जो है आंदोलन चल रहा है। हमारी जो मांगे हैं, वो बड़े टेंडरों को छोटा किया जाए और हमारे जो ऑफलाइन के टाइम का पैसा है, जो 10% हमारी जन्ना थी, वो वापस दी जाए और रॉयल्टी जो बेतहाशा रॉयल्टी में वृद्धि की गई, वो रॉयल्टी के रेटों को कम किया जाए। ठेकेदारों के लिए बैठने के लिए हमारे पास कोई कमरा नहीं है। ठेकेदार आते हैं, कोई इधर बैठता है, कोई उधर बैठता है, कोई कहीं बैठता है, कोई कहीं बैठता है। उसके लिए प्रत्येक डिवीजन में पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है ठेकेदारों को बैठने का एक भवन जो है उपलब्ध कराया जाए और तमाम सारी हमारी 25 सूत्री मांग है, उस मांग को लेकर पूरे उत्तराखंड के अंदर आंदोलन चल रहा है। आज खासकर जो बागेश्वर में जो आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है, जो तालाबंदी का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, वो हमारे उत्तराखंड, हमारे बागेश्वर जनपद के ठेकेदारों को लंबे समय से, करीबन किसी का एक साल से, किसी का दो साल से, किसी का तीन साल से, किसी का छह महीने से जो है हमें भुगतान नहीं हुआ है। विभिन्न जो हमने निर्माण कार्य किए गए हैं, उनका भुगतान नहीं हो रहा है, उसके लिए आज ये तालाबंदी का कार्यक्रम है। और हम तो उन सारे अपने जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हैं, वो लोग खूब हमारे बीच में आ रहे हैं, हम लोगों की समस्याओं को सुनने, जबकि हमने सारे अपने जनप्रतिनिधियों को, जिला स्तरीय अधिकारियों को और हमारे मुख्यमंत्री को, सबको हमने पत्र के माध्यम से अपनी मांगों को अवगत करा दिया। उसके बाद भी ठेकेदारों की कोई सुन नहीं रहा है। सारे विकास कार्य उत्तराखंड के अंदर ठप है, सारे निर्माण कार्य ठप है, सारे टेंडर जो है वो टेंडर नहीं पड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अविलंब जो है ठेकेदारों की मांग को सुना जाए और अतिशीघ्र इसका समाधान किया जाए। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।